चलिए बच्चों, अब हम आज सीखेंगे कि गॉस के नियम से कूलम के नियम को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो गॉस के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था? गॉस का नियम कहता था कि फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी ऐसे पृष्ठ से इंक्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसके अंदर अगर चार्ज क्यों रखा हो तो वो आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से कल्पना करते हैं कि हमारा जो एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि एक चार्ज क्यू रखा है तो इसके बीच हम मान लेते हैं कि एक आर दूरी पर एक सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस जो है वो ये है। तो इसी को हमने क्या मान लिया कि ये हमारा गॉसियन सरफेस है। दिस इज़ द गॉसियन सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाई चार्ज क्यू, यानी चार्ज क्यू के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड में आर दूरी पर, चार्ज से आर दूरी पर एक सरफेस कंसीडर किया है, यही गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस पर हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर किया, इसको हमने डीएस मान लिया। ठीक है, डीएस इज द स्मॉल सरफेस एरिया ओवर द गॉसियन सरफेस। अब दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है और डीएस मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ से ई डॉट डी एस का जो मान आएगा, दिस इज ई डी एस कॉस जीरो, दिस इज इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, गॉस का नियम कहता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट सॉरी ओवरऑल सरफेस एरिया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अभी हमारा एम है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला, यदि इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यानी इस सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे, तो उसके फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एच डी एस का मान कितना होगा। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा ये ओवरऑल जो सरफेस एरिया थ्री डायमेंशन में वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो वेरी करेगा जीरो टू फोर पाई आर स्क्वायर तक, यानी लोअर लिमिट जीरो और इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अगर ये सर्किल होता तो टू पाई आर होता, लेकिन अगर स्फीयर है तो ओवरऑल सरफेस एरिया इसका फोर पाई आर स्क्वायर होगा, तो अपर लिमिट इसकी हो गई फोर पाई आर स्क्वायर। दिस और ई डॉट डी एस का मान आएगा ई डी एस, तो यहाँ पर हमने ई डॉट डी एस की जगह ई डी एस लिख लिया और इसकी लिमिट जीरो टू फोर पाई आर स्क्वायर लिख लिया। दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो ई डी एस है, ई डी एस से फ्री है तो हम ई को बाहर ले सकते हैं, जीरो टू फोर पाई आर स्क्वायर डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जीरो टू फोर पाई आर स्क्वायर डी एस का जो मान होगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, डी एस को हम डी एस कह लें या ए कह लें तो इसका एरिया एस आएगा और एस जो होता है वो फोर पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से आ गया ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कूलम्स लॉ जो बताता है दो चार्जेस के बीच के फोर्स को बताता है। तो लेट अस सपोज दैट कि ये जो हमने स्मॉल सरफेस एरिया माना है, इस पर जो चार्ज है क्यू नॉट इज द चार्ज ओवर द सरफेस एरिया डी एस, डी एस सरफेस एरिया पर हमने एक स्मॉल चार्ज क्यू नॉट को कंसीडर कर लिया। तो क्यू नॉट को कंसीडर कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो है लगने वाला ई है, तो फोर्स कितना होगा, तो क्यू के द्वारा फोर्स अप्लाइड बाई क्यू ओवर चार्ज क्यू नॉट, यानी चार्ज क्यू के द्वारा चार्ज क्यू नॉट पर
जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E पर, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, क्योंकि आपको पता है कि E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, E का मान इस इक्वेशन से इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 1/4 πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट रखेंगे तो हो गया क्यू नॉट। तो देखिए आ गया F इज इक्वल टू आ गया 4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही है कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में, ठीक है। दिस इज द कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो देखिए हम कहाँ से चले थे, हम चले थे गॉस के नियम से और आ गए कूलम के नियम में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लेकर चलते आर कैप रखते तो यही आर कैप यहाँ पर भी आ जाता और हमारा एफ भी जो है वो वेक्टर फॉर्म में निकल आता। चलिए उसको हम निकाल ही लेते हैं, एक सेकेंड और लगेगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे, सदिश के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, तो इसकी दिशा की बात करेंगे तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है, इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ एकांक सदिश किसका है, वेक्टर आर का, ठीक है। वेक्टर आर का ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो एफ फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट, ई का मान रखेंगे तो फोर्स एफ इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स। तो ये हो गया कूलम फोर्स। अब यदि ये माइनस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, ठीक है, केवल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता और कोई उससे फर्क नहीं होता, केवल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बन जाता है, बाकी चीज़ें वही हैं। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि गॉस के नियम से कूलम के नियम को कैसे प्राप्त किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।